हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक ईट वॉन्डर। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ संध्या और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज हम लोग फूड टॉर या फिर ट्रैवल ब्लॉगिंग नहीं करने वाले। आज के वीडियो में हम लोग न्यू बॉर्न एसेंशियल्स डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में हूँ, तो दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ। तो ऐसा हो सकता है कि आज के वीडियो के व्यूअर्स मेरे रेगुलर व्यूअर्स ना हो, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज डालती हूँ हर सैटरडे, सो येस मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आप मेरा कोई भी अपकमिंग व्लॉग्स मिस ना करें। जब भी एक न्यूबॉर्न बेबी आपके घर आता है या आती है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो आपको घर में रखना पड़ता है, अवेलेबल रखना पड़ता है, सो दैट आप भी कंफर्टेबल रहो और मेनली बेबी कंफर्टेबल रहे। ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी जब ईगो हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा बाय कर लेते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि ये भी ज़रूरत पड़ेगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट तो दोनों में ही रहती है, लेकिन यस फर्स्ट बॉर्न में हमको पता नहीं रहता है कि क्या क्या एक्चुअली ज़रूरत है और क्या क्या बस एड में मतलब बताया जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती है। सो सिंस इट्स माय सेकंड प्रेगनेंसी, अभी मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें एसेंशियल्स में आती है और कौन कौन सी चीज़ें बस गुड टू हैव वाली होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग एसेंशियल्स डिस्कस करेंगे जो आपके पास होना ही चाहिए। सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला न्यूबॉर्न एसेंशियल होता है बेबी को कंफर्टेबली सोने के लिए एक प्लेस। तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन रहता है बेबी नेस्ट या बेबी कैरियर जिसे बोलते हैं, मैं पिक्चर अटैच कर लूंगी, तो ये वाला आप यूज कर सकते हो। ये हमने इवो के लिए भी यूज किया था। स्पेशली फर्स्ट टाइम पेरेंट हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप ये जरूर खरीदें, बिकॉज इतने छोटे बेबी को उठाने में थोड़ा सा फियर होता है, मतलब एटलीस्ट मुझे और सौरभ को तो होता था। तो अगर आप बेबी को बेबी नेस्ट में रखते हो तो आपको पकड़ने में थोड़ा आसानी हो जाता है। तो इनिशियल डेज में जब हम लोग बेबी को हॉस्पिटल से घर लाए थे, मतलब इवू को हॉस्पिटल से घर लाए थे, एंड ऑल्सो जब हम लोग उसके चेकअप्स वगैरह के लिए जाते थे इनिशियल डेज में, तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता था। तो अगर आपको डर है छोटे से बेबी को पकड़ने का, तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप वो ले सकते हो। सबसे बढ़िया बात है कि वो जब आप रात को बेबी को सुलाते हो बेड में, तो तभी वो पूरा ओपन करके, तो मैं आपको पिक्चर अटैच करके दिखा दूंगी, आपको समझ जाएगा कि कैसे आपको यूज़ करना है। तो अगर आप चाहते हो कि बेबी को आप बेड में अपने साथ सुलाएं, तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने इस बार सेकेंड बेबी के लिए वो परचेस नहीं किया है, बिकॉज हम लोग बेड में रखने का नहीं प्लान कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास बेबी कॉट है, तो मैं बेड के बगल में ही कॉट लगा कर बेबी को रखने का सोच रही हूँ। जो बेबी नेस्ट होता है वो आप हार्डली 6 मंथ्स तक यूज कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन रहता है आपके पास बेबी स्विंग का। तो हमने R4 रैबिट का स्विंग लिया था ईवो के लिए, तो वो भी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। उसकी सबसे बढ़िया बात ये है कि वो सप्लाई से कनेक्टेड रहती है और कंटिन्यूसली बेबी को स्विंग कराती है, तो आपको मैन्युअली हाथ से जाके बेबी को झूला झुलाने की ज़रूरत नहीं है। बेबी को बढ़िया उसमें सुला दीजिए और उसके बाद वो स्विंग करता रहता, और इतनी बढ़िया तरीके से वो सोती थी उसमें। सो लेकिन उसकी जो डिसएडवांटेज मैं आपको ये बोलूँगी कि वो आप 1 साल तक ही यूज़ कर पाओगे। जब बेबी एकदम खड़ा सब होने लग जाता है तो उसमें फिर वो डेंजर हो जाता है, बिकॉज स्विंग हो रहा है और उसमें बेबी खड़ा हो जाए। तो मैक्सिमम हम लोग 1 ईयर तक यूज़ कर पाए थे वो वाला स्विंग। और वो जो R4 रैबिट का स्विंग है वो आपको थोड़ा महंगा भी पड़ता है, बट स्टिल हमने वो इन्वेस्ट किया था, बिकॉज दैट 8,000-9,000 वॉज इक्वल टू हमारा नींद। तो मतलब बेबी इतने अच्छे से सो जाते हैं उसमें कि आप उतना रिलैक्स हो सकते हो, तो मतलब मुझे उस वे में वो बहुत वर्थ लगा था। तो आप बेबी के लिए अगर 1 ईयर के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अच्छी नींद आपको मिले और बेबी भी अच्छे से सो जाए, तो वो R4 रैबिट का स्विंग मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। उसमें कुछ म्यूजिक्स भी आते हैं, तो बेबी को खिलाना हो तो वो भी आप कर सकते हो, बट हम लोग मेनली स्विंग यूज़ करते थे ताकि वहाँ जाए तो बेबी को पता रहे कि उसे सोना है, उसे खेलना नहीं है। आपके पास तीसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन वो है बेबी कॉट का। तो ये जो बेबी कॉट है आप आराम से 4-5 साल यूज कर सकते हो, और इवो मतलब अभी 5.5 ईयर ओल्ड है, तो 5 साल तक तो इवो बढ़िया यूज करती थी। उसके बाद फिर उसका पैर लगने लगा था लास्ट में, एंड में, तो हमने इवो को नॉर्मल बेड पे शिफ्ट कर दिया था। सो ये वाला जो कॉट है, मैं आपको पिक्चर अटैच करके बता दूंगी, ये हमने बेबी हग ब्रांड का लिया था फर्स्ट क्राई से। जो भी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ वीडियो में, सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। इसके 3 लेवल्स होते हैं, तो
जब बेबी बहुत छोटा है तो आप एकदम ऊपर वाले लेवल में रख सकते हो, फिर जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा कॉट में खड़े होने लग जाते हैं तो आप उसका लेवल नीचे कर सकते हो ताकि एकदम यू नो कम्फर्टेबली बेबी आराम से 5 साल तक उसे यूज कर पाए। तो ये रहेगा स्लीपिंग अरेंजमेंट के एसेंशियल्स। तो अगला न्यू बॉर्न एसेंशियल्स में आता है बेबी का डायपर नीड्स। उसके लिए आपको एक न्यू बॉर्न डायपर यूज करना पड़ेगा। तो जब बेबी जस्ट बॉर्न हुआ है तब आप ट्राई करेगा कि इस तरीके का टेप वाला जो डायपर होता है वो आप यूज करेगा न्यू बॉर्न के लिए, बिकॉज उनके जो कॉर्ड होते हैं वो अभी तक निकले नहीं होते हैं। तो आपको यू नो थोड़ा सा फोल्ड करने के लिए और इजीली बेबी को डायपर चेंज करने के लिए थोड़ा यूजफुल रहेगा। उसके बाद आप चाहो तो पैंट स्टाइल यूज कर सकते हो, लेकिन इनिशियल में आप टेप स्टाइल डायपर यूज करिए, वो मेरा सजेशन रहेगा फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। डायपर के एसेंशियल्स में सबसे पहले डायपर आएगा एंड उसके बाद आएंगे ये ड्राई शीट्स। तो ये मैंने अमेजोन से लिया था सेट ऑफ 2 का, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस तरीके का रहता है ड्राई शीट। तो ये ड्राई शीट आप यूज़ करेंगे डायपर चेंज करते टाइम। तो यू नो बेड में ये बिछा कर बेबी को इसके ऊपर लिटा कर आप डायपर इसके ऊपर से चेंज करेंगे ताकि आपका बेड ख़राब ना हो, या फिर आप जब भी ट्रैवल करते हो तो ट्रेन में चेंज करना पड़ सकता है, कार में चेंज करना पड़ सकता है, या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर चेंज करना पड़ सकता है। तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप अपने डायपर बैग के अंदर हमेशा रखिएगा जब भी बेबी को कहीं पे लेके जाते हो। तो ये सेट ऑफ 2, मतलब एक पिंक में है, मतलब काफ़ी सारे कलर्स थे वैसे, ये पिंक और ब्लू वाला मैंने लिया है सेट ऑफ 2। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद डायपर एसेंशियल्स में आते हैं ये वेट वाइप्स। तो आप जब भी बाहर, इवन घर में भी मैं वेट वाइप्स ही यूज़ करती थी इवो को क्लीन करने के लिए जब भी इवो छोटी थी। तो सेकेंड बेबी के लिए भी मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। ये है मदर स्पर्श का, तो ये आप ले सकते हो, या फिर इवन टैम्पर्स के वाइप्स अच्छे होते हैं, तो इससे आप बेबी का डायपर एरिया क्लीन कर सकते हो। तो डायपर वाले कैटेगरी में वेट वाइप्स अगला एसेंशियल आइटम है। एंड उसके बाद अगला एसेंशियल आइटम डायपर कैटेगरी में है पाउडर। तो पाउडर कभी भी आप बेबी के फेस के लिए मत यूज़ करिएगा, पाउडर आप ओनली रखिए बेबी के डायपर एरिया के लिए। तो ये मैं कीको का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो आप कीको का यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं है। इसका MRP 189 है, मैंने फर्स्ट क्राई के ऐप से लिया, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट वैसे भी मिल जाता है, 150 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये पाउडर भी आप डायपर एरिया के लिए डेफिनेटली रखिएगा। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट डायपर एरिया के लिए रहता है ये डायपर रैश क्रीम। तो ये है बी फॉर नैपी ब्रांड का। तो ये ही मैंने इवो के लिए भी यूज़ किया था जब इवो छोटी थी, और दिस डायपर क्रीम इज़ द बेस्ट। ये इवो के पीडियाट्रिशियन ने रिकमेंड किया था। हो चुका है हमारा डायपर एरिया का एसेंशियल। तो अगला कैटेगरी ऑफ एसेंशियल आइटम्स है बेबी के कपड़े। तो बेबी के कपड़े में मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। एक होता है इस तरीके का रोम्पर्स, जो आप मतलब ऊपर से पूरा बटन खोल के बेबी को पहना सकते हो। तो इनिशियल डेज में ना ऐसी चीज़ें लीजिएगा जहाँ पे आपके पास बटन का ऑप्शन हो, बिकॉज बेबी के सर से आप अगर डालते हो तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है बेबी के लिए भी, और आपको भी मतलब थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार बेबी को परेशान कर रहे हैं। तो इस तरीके का अगर आगे से बटन ओपन वाले कपड़े होना तो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इस तरीके के रोम्पर्स है, इसमें बड़े वाले रोम्पर्स भी आते हैं जिसमें पूरा पैर भी कवर हो जाता है, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट के हिसाब से मैंने लिया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड के टाइम पर अगर आपका बेबी आ रहा है तो आप पूरा फुटेड रोम्पर बोलते हैं उसको, पूरा पैर भी कवर हो जाता है, तो वो भी ले सकते हो, बट मैंने इस तरीके का लिया है। आप न्यूबॉर्न वाले साइज़ में कुछ ऐसे रोम्पर्स ले सकते, मतलब इसी टाइप के मैंने काफ़ी सारे लिए हुए हैं, मतलब बहुत सारे भी नहीं लिए, मतलब 4 रोम्पर्स लिए मैंने इस तरीके के, बिकॉज बहुत ज़्यादा आप लोगे तो फिर यू नो बेबीज़ बहुत जल्दी 0 to 3 months क्रॉस कर देंगे, और उसके बाद फिर आपको 3 to 6 लेना पड़ेगा। तो यूजली ना 2-2 महीने में कपड़े टाइट हो ही जाते हैं बच्चे के, तो बहुत ज़्यादा भी मत लीजिएगा। तो यस, इस तरीके के रोम्पर्स हमने लिए हैं। और उसके बाद हमने लिए हैं वनजीस। तो ये इस टाइप का होता है, तो इसमें यहाँ पर बटन्स होते हैं डायपर चेंज करने के लिए, तो ये आपको हेड से ही डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी बटन है थोड़ा यू नो इजी करने के लिए, तो काफ़ी स्पेस मिल जाता है, तो आप इजीली पहना सकते हो। तो इस तरीके का भी मैंने 3 रखा हुआ है। ये सारे ही बेबी हग ब्रांड के हैं, और मैंने ऑनलाइन फर्स्ट क्राई ऐप से ही लिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे ही मैंने न्यूबॉर्न साइज में लिए हैं। और उसके बाद कपड़ों में आपको नेसेसिटी है इसकी, बेबी कैप है, बेबी के शूज़ है, और बेबी के मिटन्स है, तो ये पूरा सेट में आता है।
तो ऐसा वाला सेट भी आप डेफिनेटली रखिएगा। तो इस तरीके की कैप, सॉक्स और मिटन्स के सेट मैंने 3 रखे हुए हैं। एंड यस, ये हो गए कपड़े। और अगर आप कपड़ों में चाहो तो इस तरीके का वाइट कपड़ा भी ले सकते हो, तो ये भी मतलब काफ़ी जगहों पे वाइट कपड़ा प्रेफर किया जाता है। तो इस तरीके से टाई करने वाला कपड़ा है, मतलब आगे से पूरा ओपन है और इस तरीके से टाई करने वाला कपड़ा है, और इसके नीचे इस तरीके का बॉटम है। तो इस तरीके का अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। कपड़ों में नेक्स्ट एसेंशियल है ये वॉश क्लोथ्स जिसे बोलते हैं, तो ये मैंने अमेजोन से लिया था और इसमें सेट ऑफ 5 है आई गेस, तो इसे वॉश क्लोथ्स या हैंकी बोल सकते हो आप। तो ये मैंने अमेजोन से लिया, बहुत सॉफ्ट है, मसलन क्लॉथ का है। इसके ना बहुत सारे यूजेस है, मतलब बेबी को आप बात कराने के लिए, जब यू नो बहुत छोटा होता है तो ऐसे ऐसे यू नो बॉडी को क्लीन करने के लिए और फेस क्लीन करने के लिए आप हाथ की जगह इस तरीके का सॉफ्ट टॉवल यूज कर सकते हो। बेबी को आप फीड कर रहे हो तो अगर कुछ स्पिल आउट होता है तो उसे क्लीन करने के लिए, तो ये सारी मतलब मल्टीपर्पज है। तो ये आप डायपर बैग में भी डेफिनेटली रखिएगा एक दो, और ऐसी मतलब काफ़ी काम आता है। तो इस तरीके के सेट ऑफ 5 वाला मैंने लिया था, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये और काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे काफ़ी पसंद आया, अमेजोन से लिया ये। इसके जगह अगर आप दूध पिलाते समय इस तरीके का बिप्स यूज़ करना चाहते हो, अगर इस तरीके का होता है जो आप गले में लगा सकते हो, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। जब बेबी को आप सॉलिड्स वगैरह देना स्टार्ट करोगे तब और भी ज़्यादा यूज़ आता है, बट अभी भी आप लेके रख सकते हो बिकॉज गले में लगा सकते हो और जब भी स्पिल होगा तो ऐसे ऐसे वाइप कर सकते हो। तो ये बिप्स भी मैंने सेट ऑफ 3 लिया है बेबी हग ब्रांड का। अगला कपड़ों में एसेंशियल्स है ये स्वेडल ब्लैंकेट्स, तो ये मैंने अमेजोन से लिया है लव लैप ब्रांड का, और इसमें सेट ऑफ 3 मसलन स्वेडल्स है। तो ये इस तरीके के होते हैं, तो बेबी को यू नो रैप करने के लिए या कभी कवर करने के लिए वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सॉफ्ट क्लॉथ है ये भी, आई थिंक फोकस नहीं कर रहा है, हाँ। तो इस तरीके का काफ़ी बड़ा होता है बिकॉज बेबी को पूरा स्वेडल करना हो, मतलब कुछ लोग स्वेडल करना नहीं पसंद करते हैं, बट मैं पसंद करती हूँ बिकॉज ईवू को मैंने यू नो देखा है कि कितने अच्छे से वो सो जाती है और बहुत ही पीसफुली, बहुत ही काम रहते हैं बच्चे, तो मैं तो स्वेडल करना ही पसंद करती हूँ। बट अगर आप नहीं भी पसंद करते हो तो आप यू नो ब्लैंकेट जैसा यूज़ कर सकते हो। तो ये भी अगेन मल्टीपर्पज़ है, आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहते हो, काफ़ी बड़ा भी रहता है साइज़ में, तो ये वाला ब्रांड का आप ले सकते हो, काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छे साइज़ का है। तो ये है कपड़ों के एसेंशियल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेबी को नहलाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की यूज़ रहेगी। तो फर्स्ट है बाथ टब, तो मैं बाथ टब हमारा यहाँ पे दिखा दूंगी आपको। तो ये वाला बाथ टब विथ अ स्लिंग आया है, तो इसमें आप बेबी को यू नो इनिशियल डेज में लेटा के बढ़िया सा नहला सकते हो, और ये भी बेबी हग ब्रांड का ही है और काफ़ी अच्छा है। मैंने ईवू के लिए भी बेबी हग ब्रांड का ही यूज़ किया था और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। तो ये वाला बाथ टब आपके लिए बेबी एसेंशियल्स में आएंगे। और उसके बाद बेबी ऑयल या फिर हेयर ऑयल, चाहो तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर सेबामेड का एक मसाज ऑयल आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने ईवू के लिए सेबामेड का मसाज ऑयल यूज़ किया था और बहुत ही मतलब यू नो बेबी के स्किन के लिए एकदम परफेक्ट ऑयल था, तो वो आप यूज़ कर सकते हो या फिर कोकोनट ऑयल भी इज़ फाइन। नेक्स्ट है बॉडी वॉश, तो बॉडी वॉश के लिए मैं ये सेबामेड का बॉडी वॉश यूज़ करने वाली हूँ। ये भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर अगर आपको बॉडी वॉश और शैम्पू एक साथ चाहिए तो आप सेटाफिल का एक आता है हेड टू टो वाला, मतलब मैं आपको पिक्चर अटैच करके दिखा दूंगी, तो वो आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हो और हेयर पे भी यूज़ कर सकते हो, तो वो आप ले सकते हो, या फिर अगर आपको अलग ही चाहिए तो आप सेबामेड वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया बेबी का बॉडी वॉश और ये है बेबी का शैम्पू। तो सेबामेड के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और सेटाफिल, मतलब ये दो ब्रांड्स बेबी के लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट बात एसेंशियल में आता है ये हेयर ब्रश। इनिशियल में ना उनके हेयर में थोड़े थोड़े गांठ होते हैं, तो वो सब क्लीन करने के लिए एकदम हेयर बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है इससे, तो ये यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हेयर कॉम्ब करना हो तो ये दोनों का सेट रहता है, ये भी बेबी हक से ही है, तो ये आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। मैंने ईवू के लिए भी यूज़ किया था। और बात प्रोडक्ट्स में अगला प्रोडक्ट है बेबी का टाल, तो ये भी बेबी हक से मैंने लिया है, फर्स्ट क्राई ऐप से ऑर्डर किया, तो हुड वाला मैंने लिया है, आप नॉर्मल वाला भी ले सकते हो जैसा आपकी पसंद। तो यस, इस तरीके का एक टाल अलग से होना चाहिए बेबी के लिए।
तो ये हो गए बाथ प्रोडक्ट्स, और उसके बाद हम आएंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। तो स्किन केयर में फर्स्ट है ये फेस क्रीम। तो सेबामेड का एक सेपरेट फेस क्रीम भी आता है और दूसरा एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट क्रीम भी आता है, तो मैंने ये वाला यूज़ किया था इवो के फेस के लिए। और दूसरा है सेटाफिल का बॉडी लोशन, ये मैं बॉडी के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो स्किन केयर में फेस क्रीम और बॉडी लोशन आ जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब ये दो ब्रांड्स तो आप मतलब मिक्स एंड मैच यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपको ओनली सेटाफिल यूज़ करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, ओनली सेबामेड यूज़ करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। और यस, अब बात करेंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आ जाते हैं इस तरीके का ब्रश। अगर आप बॉटल से फीड करोगे तो इस तरीके का बॉटल क्लीनिंग वाला ब्रश, और एक छोटा सा ब्रश आपको यहाँ दिख रहा होगा वो है बॉटल का जो निप्पल एरिया होता है वो क्लीन करने, क्योंकि वो बहुत नैरो रहता है, तो वो क्लीन करने के लिए भी ये जो बेबी हग का क्लीनिंग ब्रश अगर आप लेते हो आपको दोनों मिल जाएंगे। तो ये मैंने इवो के लिए भी यूज़ किया था और अभी भी मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। और बॉटल क्लीन करने के लिए आपको इस तरीके का एक मिमी ब्रांड का क्लीनर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला मैंने क्लीनर ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो दैट्स वाई मैं ये रेकमेंड कर रही हूँ। इसको आपको बॉटल के अंदर डालना है, थोड़ा सा पानी मिक्स करना है, फिर ये वाले ब्रश से क्लीन करना है एंड अच्छे से वॉश कर लेना है, और उसके बाद स्टेरलाइज करना है गर्म पानी में या फिर स्टेरलाइजर यूज़ करके। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्लीन बॉटल्स। और बस बॉटल्स ही नहीं, बेबी के जो भी बर्तन आएंगे फ्यूचर में यू नो फीड करने वाले, तो वो सारी चीज़ें भी आप इससे क्लीन कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट है बेबी का डिटर्जेंट। तो कभी भी आप अपना जो कपड़ों का डिटर्जेंट होता है वो कभी भी अपने बेबी के लिए नहीं यूज़ करिएगा, बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स होते हैं उसमें। तो बेबी के लिए ना एक बेबी का ही डिटर्जेंट यूज़ करना, तो ये बेबी हक का है। और भी बहुत सारे ब्रांड्स में आपको बेबी डिटर्जेंट्स मिल जाएंगे, मिमी ब्रांड का भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने बेबी हक का लिया। ये आई थिंक पैक ऑफ टू था, तो इसका भी प्राइस एंड जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी से आप बेबी के कपड़े वॉश करिएगा। तो ये जो भी मैंने आपको दिखाया है मैं आज वॉश करने वाली हूँ, इसलिए मैंने आज ही वीडियो शूट कर लिया। ये अपलोड होगा बेबी आने के बाद। अभी मेरा 37 वीक्स कंप्लीट हुआ है, 38th वीक रनिंग है, तो मैं आज सारे कपड़े वॉश करने वाली हूँ। तो मैं सोचा कि पहले वीडियो शूट कर लेते हैं उसके बाद वॉश करूँगी। और अगला प्रोडक्ट जो नेसेसिटी में आता है वो है कार सीट। तो कार सीट हमने इवो के लिए लिया था आर फोर रैबिट का, और वही कार सीट हम लोग इस बार भी यूज़ करने वाले हैं बिकॉज वो ऑलरेडी अच्छे कंडीशन में है। एंड नेक्स्ट है ये डायपर बैग, ये भी आर फोर रैबिट का ही है। कई दूसरे ब्रांड्स के भी आते हैं डायपर बैग, बट मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है। थोड़े कलर्स ऑप्शंस कम रहते हैं, प्रिंट ऑप्शन कलर ऑप्शंस कम रहते हैं, बट क्वालिटी वाइज दिस इज़ अमेजिंग। तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स तो अभी घर में ही रहने वाले हैं, हॉस्पिटल में मैं कुछ नेसेसिटी वाले आइटम्स लेके जाऊंगी, तो वो मैं इस डायपर बैग में पैक करके लेके जाने वाली हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और इतनी ही चीज़ें अगर आप लेकर रख लो अपने बच्चे के लिए, सारा डिपार्टमेंट्स कवर हो जाएंगे, डायपरिंग, क्लोदिंग, वॉशिंग और सारी ही सेफ्टी, सब कुछ ही कवर हो जाएंगे। तो ये सारे मेरे अकॉर्डिंगली न्यूबॉर्न के लिए एसेंशियल आइटम्स है। और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि और क्या नेसेसिटी आपको लगती है, या फिर इसमें से अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि ये नेसेसिटी में नहीं आनी चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए आपका कमेंट यूज़फुल रह सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आज का वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करिए, नीचे एक छोटा सा कमेंट भी मिले छोड़ के जाएगा मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मैं हर सैटरडे फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय कर दो, बाय कर दो। तो दिस इज आर इवो, शी इज 5.5 ईयर ओल्ड और बिग दीदी बनने जा रही है कुछ ही दिनों में। Hi.